तेलंगाना में 21 नवंबर जुमेरात के रोज़ तकरीबन 8,047 ट्रेनी कांस्टेबलों को तेलंगाना महकमे पुलिस में भर्ती किए जाने का इम्कान है। ट्रेनीज की कुल तादाद में 2,338 खवातीन हैं। पासिंग आउट परेड तेलंगाना में 20 मकामात पर मनाकिद की जाएगी। ट्रेनी कांस्टेबल्स 9 माह की तरबियती मुद्दत से गुजर चुके हैं। ये पहला मौका है जब 1 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ 15 खवातीन ने कांस्टेबल्स की तरबियत में हिस्सा लिया। उन कांस्टेबल्स ट्रेनीज को बच्चों के साथ राजा बहादुर वेंकट रामा रेड्डी तेलंगाना पुलिस अकेडमी में रखा गया था। अकेडमी में उन खवातीन की तरबियत के दौरान उनकी मदद के लिए खवातीन कांस्टेबल्स भी फराहम किए गए। साल 2023 और 24 को रिवायती और जदीद कानून नाफिज करने वाली तकनीकियों में तरबियत दी गई। साइबर क्राइम, नारकोटिक्स, NDPS एक्ट वगैरह पर खुसूसी जोर दिया गया। शहर हैदराबाद के चैतन्यपुरी इलाके में एक खातून के गले से सोने के जेवरात छीनकर फरार होने वाले दो मुजरिमों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करके रिमांड कर दिया गया। रोड नंबर 5 अलकापुरी कॉलोनी में रहने वाली वेंकट रमना नामी खातून के घर में नामालूम अपराध ने घुसकर उसके गले से तिलाई जेवरात जबरदस्ती छीन लिए और फरार हो गए। मुतासर ने फौरी तौर पर चैतन्यपुरी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके CCTV कैमरों की जाँच के बाद दोनों मुजरिमों को कर लिया गिरफ्तार। हैदराबाद के कोंडापुर डिवीजन के सिद्दीक नगर में एक 5 मंजिला इमारत के झुक जाने से इलाके में खौफ हराज फैल गया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब इस इमारत के करीब एक और बिल्डिंग की तामीर का काम जारी था। जेर तामीर इमारत के सेलार की खुदाई के बाइस पुरानी इमारत के सुतून जमीन में धंस गए जिससे वो एक तरफ झुक गई। इमारत में रिहायश पजीर अफराद और दीगर मुकामी बाशिंदे शदीद खौफ में मुब्तला हो गए। मुकामी लोगों के मुताबिक खुदाई की वजह से पुरानी इमारत के सुतून कमजोर हो गए जिसके बाइस ये वाकया पेश आया। वाकई की इत्तला मिलते ही GHMC और हाइड्रोलिक टीमों ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को काबू में किया। हुकाम ने इमारत के करीब मौजूद रिहायशियों को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। मुकामी लोगों का कहना है कि इमारत किसी भी वक्त मुनहदिम हो सकती है। इस नाखुशगवार वाकये से इलाके में तशवीश की लहर दौड़ गई और रिहायशी अपने तहफ्फुज़ के लिए हुकाम से फौरी इकदामात का मुतालबा कर रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में चारशंबे की सुबह असेंबली इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र में 288 असेंबली हलकों में एक ही मरहले में वोटिंग हो रही है जबकि झारखंड में दूसरे मरहले के तहत 38 हलकों में पोलिंग हो रही है। उनके अलावा दीगर रियासतों के कुछ असेंबली नशिस्तों पर जिमनी इंतखाबात भी हो रहे हैं। वोट डालने के लिए पोलिंग मराकज पर वोटर्स की लंबी कतारें देखी गई। हैदराबाद में मुलाजिमत के नाम पर धोखाधड़ी में एक खातून को 1,70,000 रुपए का नुकसान हुआ। साइबर धोखेबाजों ने मुताशिरा को व्हाट्सएप के जरिए नौकरी का झांसा दिया। हैदराबाद की खानगी कंपनी में मुलाजिम खातून को अपने आला ऑफिसर के फोन नंबर से व्हाट्सएप पर पैगामात मौसूल हुए। उसने उसे सच माना और रकम मुंतकिल कर दी। बाद उसे एहसास हुआ कि ये साइबर फ्रॉड था क्योंकि उसके बॉस का नंबर हैक हो गया था। रकम मुख्तलिफ UPI अकाउंट्स में मुंतकिल की गई थी। उसने हैदराबाद पुलिस के साइबर क्राइम यूनिट से राब्ता किया और शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत की बुनियाद पर साइबर क्राइम यूनिट ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। मंगल के रोज सईदाबाद के इलाके में खातून ने अस्पताल की बिल्डिंग से छलांग लगाकर कर ली खुदकुशी। मुतवफी की शिनाख्त सी देव्याश्री के तौर पर हुई है। बताया गया है कि दिव्याश्री की शादी कृष्णा से हुई थी और इस जोड़े को 2 बच्चे थे। खातून मुबैना तौर पर खानदानी मसाइल से परेशान थी। 17 नवंबर को कृष्णा एक शादी में शिरकत के लिए शहर से बाहर गया हुआ था। दिव्या श्री ने कृष्णा को फोन किया और घर वापस आने और बच्चों की देखभाल करने को कहा। कृष्णा ने शादी में वापस रहने का फैसला किया। बाद में उसे पता चला कि दिव्या श्री ने जहर खा लिया और बेहोश हो गई। कृष्णा ने रिश्तेदारों को मुतला किया जो पीर को उसे अस्पताल मुंतकिल किए। जब मंगल को कृष्णा शहर वापस आया और दिव्या श्री से मुलाकात के लिए अस्पताल पहुंचा, जब वो अस्पताल के कमरे में गया तो उसकी बीवी बिस्तर से उठी और अस्पताल की इमारत से छलांग लगा दी और मौके पर ही फौत हो गई। सईदाबाद पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में मसरूफ है। GHMC सड़कों पर कचरा फेंकने और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक तर्ज पर चालानात आयद करने की तैयारी कर रही है। गाड़ियों के नंबरात की बुनियाद पर मुतालिक अफराद पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। इस तरह कचरा फेंकने वालों के खिलाफ जुर्माना आयद करने का फैसला किया गया है। इसके लिए GHMC के IT शोबे की जानिब से खसूसी मोबाइल ऐप तैयार किया जा रहा है। 1 दिसंबर से ये ऐप दस्तियाब हो जाएगा। GHMC के हेड ऑफिस में मुनक़िदा आला सतही इजलास में यह फैसला किया गया। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने रियासत में इदारजात मुकामी व बल्दियात के इंतखाबात में हिस्सा लेने
दो बच्चों की शर्त को बर्खास्त करने का बिल असेंबली में पेश करके तरमीम को मंजूर कर लिया और अब आंध्र प्रदेश में इदारजात मुकामी व बल्दी इंतखाबात में हिस्सा लेने दो से ज्यादा बच्चे ना होने की शर्त खत्म हो चुकी है। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने पंचायत राज एक्ट 1992, आंध्र प्रदेश म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1955 के अलावा आंध्र प्रदेश म्यूनिसिपलिटीज एक्ट 1965 में तरमीम के जरिए दो से ज्यादा बच्चे ना होने की शर्त को बर्खास्त करने का फैसला किया है।